हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी लेवल्स को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन में सेलेक्ट करके ऑल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के अगर हम लोग सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर भी क्लोज हुआ है। अगर इस स्टॉक के ऊपर हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो वीकली चार्ट में भी हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इससे पहले के वीक में भी हम लोगों ने इस स्टॉक को वीकली बेसिस पर डिस्कशन किया था और वापस से यहाँ पे देखेंगे तो 700 के लेवल के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम कैरी आउट करता हुआ स्टॉक दिख रहा है। ऊपर की साइड अगर हम लोग रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो 750-775 ये जोन जो है वो आपको वहाँ वापस से रेसिस्टेंस फेस कर सकता है स्टॉक। तो अभी स्टॉक के पास एक अच्छा स्पेस है, ऊपर की साइड 20-30 पॉइंट इजी मोमेंटम इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ स्टील सेक्टर के और भी स्टॉक्स की हम लोग बात करें तो उन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। इस स्टॉक को बाई करेंगे 722 के लेवल के ऊपर। एक बार स्टॉक 722 के लेवल के ऊपर निकलता है इमीडिएटली हम लोग बाई करेंगे। नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला है 716 का, 6 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। 728 का पहला टारगेट रहेगा, 734 का दूसरा टारगेट रहेगा। सेकंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड स्टॉक है एचसीएल टेक की अगर डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे, इस स्टॉक ने आपको क्लोजिंग एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे दिया है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर गैप अप ओपन हुआ था और क्लियरली स्टॉक जो है आपको ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दिया है। वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो स्टॉक एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 1100 के लेवल के नीचे आपको क्लोज दिया है। एक बार अगर स्टॉक में 1100 का लेवल क्रॉस कर जाएगा तो फिर इस स्टॉक में और भी ज़्यादा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। 5 मिनट के चार्ट में इस स्टॉक को हम लोग इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे। इस स्टॉक को इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे हम लोग लेवल्स पे 1094 के लेवल्स के ऊपर निकलते ही इमीडिएटली इस स्टॉक को हम लोग बाय करेंगे। एक बार स्टॉक अगर 1094 के लेवल के ऊपर निकल जाएगा हम लोग इसको बाय करेंगे। नीचे की साइड जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको होने वाला है 1087 का, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट आपको 1101 का रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे हम लोगों का 1108 का रहेगा। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे माइंड ट्री के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी डिस्कशन किया था और इस स्टॉक में एक अच्छा हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर बात करेंगे वीकली बेसिस पे स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा था, फाइनली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो इस स्टॉक ने आपको डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम लो लगाया, उसके बाद वापस से बाइंग प्रेशर आया, अगेन यहाँ पे सेलर्स जरूर आए बट आपको प्रीवियस स्विंग लो डिफेंड हो गया। फाइनली स्टॉक ने आपको इस नेकलाइन को ब्रेक करके क्लोज दे दिया है। तो क्लियरली अगर देखेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ब्रेकआउट है वीकली बेसिस पे और साथ ही साथ वीकली बेसिस पे हम लोगों को डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट आपको आ रहा है एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद। तो कभी भी अगर डाउन ट्रेंड के बाद एक डब्लू पैटर्न बनता है तो वहाँ पर हम लोगों को एक रिवर्सल का साइन मिलता है, जिसको हम लोग अर्ली रिवर्सल का साइन भी बोल सकते हैं। और ट्रेंड लाइन पहले यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ पे वापस से अप ट्रेंड में स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। डेली चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे तो इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में क्लियरली एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को इंट्राडे में भी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे 3679 के ऊपर। 3679 के ऊपर इस स्टॉक को बाय करेंगे। 3654 का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, 25 पॉइंट का एसएल होने वाला है। यहाँ पे जो हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा 3
3704 का पहला टारगेट रहेगा और 3729 का हम लोगों का दूसरा टारगेट रहेगा। फोर्थ स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल के अगर हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो इस स्टॉक ने भी आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है। 770 के लेवल के अराउंड इस स्टॉक में हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। अब अगर 770 के लेवल पे हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्लियरली देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस 3 times से स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम स्ट्रगल किया, वापस से आपको यहाँ पे एक छोटा सा कप टाइप का पैटर्न बनाया, अगेन यहाँ पे आपको एक मेजर फॉल देखने को मिला, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है और स्टॉक बिल्कुल नेकलाइन पे आपको ट्रेड कर रहा है। इस लेवल पे इससे पहले भी रेसिस्टेंस ले चुका है। एक बार 770 के लेवल के ऊपर निकलता है इस स्टॉक तो फिर हम लोगों को इस स्टॉक में वापस से एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को आपको 800 के लेवल की साइड लेके जा सकता है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे 770 के लेवल के ऊपर। 770 के लेवल के ऊपर निकलते ही इस स्टॉक को बाई करेंगे। नीचे की साइड जो हम लोगों का यहाँ पे आपको SL होने वाला है 765 का SL होगा, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 775 पहला टारगेट, 780 दूसरा टारगेट रहेगा। लास्ट स्टॉक है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया के अगर डेली चार्ट में बात करेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्लियरली अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक काफ़ी टाइम के बाद इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है। 1750 के नीचे जो है स्टॉक आपको लास्ट टाइम इस लेवल को क्रॉस किया था जुलाई मंथ में। उसके बाद से स्टॉक ने यहाँ पे आपको एक अच्छा हाई लगाया था 2000 के लेवल का। वापस से स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्लोजिंग भी दे चुका है। वीकली बेसिस पे भी अगर बात करेंगे तो क्लियरली स्टॉक हम लोगों को एक अच्छे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एक अच्छा स्विंग लो ब्रेक हुआ है वीकली बेसिस पे, साथ ही साथ डेली चार्ट पे भी ब्रेक डाउन है। तो इस स्टॉक में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे जो आपका एंट्री होगा 1740 के नीचे आपको कैंडल क्लोज होने देना है। यहाँ पे वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1740 के नीचे आपको कैंडल क्लोज होने देना है, तभी आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। ऊपर की साइड जो आपका स्टॉप लॉस होने वाला है 1755 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 15 पॉइंट का SL है। पहला टारगेट आपका रहेगा 1725 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1710 का। तो आई होप आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।